కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరే పరమాత్మని ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః। प्यारे मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व श्रावण मास में ना करें इन कार्यों। जी हाँ, 17 जुलाई बुधवार से श्रावण का महीना प्रारंभ हो चुका है। भगवान भोलेनाथ को भी बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से कई गुना फायदा मिलता है। पूजा के दौरान कई कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो ऐसे भगवान शिव की आराधना करते समय विशेष सावधानी करनी चाहिए। सावन के महीने में सात्विक भोजन करना, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय, इस कारण से मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन बंद कर देना चाहिए। सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना अच्छा माना गया है, क्योंकि सावन में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से पित्त तत्व की बढ़ने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा सावन के महीने में कीट पतंगों की संख्या भी अधिक बढ़ जाती है, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है। कभी भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, इसलिए पुरुष तत्व से संबंधित है। सावन के महीने में दूध का सेवन कम करना चाहिए। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा है। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध पित्त को बढ़ाने का काम करता है। सावन में बैंगन खाना अच्छा नहीं माना गया है। बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। वैज्ञानिक कारण के अगर नजरिए से देखें तो सावन में बैंगन के अंदर जो बैंगन होता है उसके अंदर कीड़े अधिक लग जाते हैं। ऐसे में बैंगन स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। सावन के महीने में किसी भी प्रकार के बुरे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। सावन के महीने में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सावन में अगर घर के दरवाजे पर सांड या गाय आए तो उसको मार करके भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। सांड को मारना अर्थात शिव जी का अपमान है, क्योंकि सांड भगवान शिव की सवारी है, नंदी कहा जाता है, इसलिए उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मित्रों, हमने आपको ये कुछ बातें बताई, इनको अपने जीवन में उतार करके श्रावण के पवित्र महीने में अपने आप में ये धारण करेंगे, आपके जीवन में आनंद और मंगल होगा। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।